के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने आई बीजेपी की फायर ब्रांड नेता सुश्री साध्वी उमा भारती ने कहा, मेरा पूरा जीवन राम गंगा और तिरंगा के लिए है समर्पित। राम जन्मभूमि पर ही बनेगा श्री राम मंदिर। केंद्रीय पेट्रोलियम और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निर्माणाधीन खाद कारखाने का निरीक्षण। कहा, 2021 में शुरू हो जाएगा कारखाने से खाद का उत्पादन। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ व महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि साप्ताहिक समारोह के अंतिम दिन दी गई महंत अवैधनाथ को श्रद्धांजलि। अतिथियों ने कहा, सामाजिक समरसता के अग्रदूत थे महंत अवैधनाथ, उनके कार्यों को नई दिशा दे रहे हैं उनके शिष्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार का जताया आभार। जब गोरखपुर के सांसद रवि किशन बने गोरखपुर न्यूज चैनल के एंकर। दी गोरखपुर के विकास कार्यों की जानकारी। कहा, विकास के पथ पर अग्रसर है गोरखपुर, विकास के साथ साथ नौजवानों को मिलेगा रोजगार। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे दिन भी लगाया जनता दरबार। फरियादियों की फरियाद को सुनते हुए उसके निस्तारण के दिए आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री व गोरखपुर के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने की प्रेस वार्ता, गिनाई केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां। और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण कचहरी परिसर से बाहर स्थानांतरित किए जाने के विरोध में अधिवक्ताओं ने किया दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन। रोड जाम कर जताया विरोध।